दिल्ली में इन्वेस्टर समिट एमओयू साइनिंग सेरेमनी, सीएम गहलोत बोले अब राजस्थान पहले जैसा राजस्थान नहीं रहा। 7-8 अक्टूबर के लिए उद्योगपतियों को किया आमंत्रित। मोदी की गढ़ गुजरात में गरजे सीएम गहलोत, कहा ईडी और सीबीआई के जरिए गिराई जा रही है सरकारें। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं, गुजरात इसमें पिछड़ गया, राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं की भी दी जानकारी। बिहार में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के बाद नीतीश का प्लान 2024, सदन में बोले एकजुट है विपक्ष, मोदी को देगा कड़ी टक्कर। बीजेपी पर लगाया हिंदू मुसलमान करने का आरोप। नौकरी घोटाले को लेकर पटना से दिल्ली तक छापेमारी को तेजस्वी ने बताया केंद्र की बौखलाहट, कहा बीजेपी जब डरती है तब सीबीआई आगे करती है। गुरुग्राम में मॉल होने से किया इनकार। खनन घोटाले की जांच में पटना से रांची तक ईडी के छापे, हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के घर पर रेड में AK-47 और कारतूस बरामद, अलमारी में रखी थी दोनों AK-47। दिल्ली में शराब घोटाले पर हमलों की बौछार, संबित पात्रा बोले भुखराहट में दिख रही है आम आदमी पार्टी, नियमों की साफ अनदेखी। संजय सिंह ने लगाया विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप। कांग्रेस के एक और नेता ने दिया झटका, पार्टी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने सभी पदों से दिया इस्तीफा, कहा भारी मन से सोनिया गांधी को भेजा त्याग पत्र। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का हवाई सर्वे, 12 झालावाड़ में बाढ़ के बाद हुए नुकसान का लिया जायजा, डाक बंगले में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर, पालीघाट घड़ियाल सेंचुरी बाढ़ में फंसे वनकर्मियों का रेस्क्यू, खबर देख अरण्य भवन से हुआ तुरंत एक्शन। भरतपुर पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, मासूम के साथ रेप के आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा, अदालत ने दरिंदे पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया।